आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक जब 2000 कोरोना कालखंड में संपन्न हुए थे, 2022 में हमारी टीमें गई थी उस काल कुछ समय कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी, और अब तक का इतिहास रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते थे और राज्य शासन ने भी उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा उस समय उपलब्ध करवाने का कार्य किया था, हम लोगों ने तय किया था। और उस समय जिन भी खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, हमने उन्हें 10-10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य शासन की ओर से अलग से उपलब्ध करवाया था। एकल खिलाड़ी था, अगर गोल्ड मेडल जीता है तो उसे 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि नगद रूप से उस खिलाड़ी को उपलब्ध करवाई। रजत पदक जीता तो 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। कांस्य पदक पर 2 करोड़ की राशि उन्हें उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, ओलंपिक में टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। एशियन गेम में यही राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज राज्य के अंदर अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रही है और उत्तर प्रदेश ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम को प्रमोट किया है और वहां तेजहर देश और दुनिया का हर खेल की सामग्री का निर्माण आज के दिन पर मेरठ के अंदर हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जनपद सिद्धार्थनगर आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद की ओर बनने की ओर अग्रसर है।